नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि मेरा एक शख्स पर कर्ज़ा है तो मैं कर्ज़ा वो दे नहीं सकता, तो मैं अपनी ज़कात उसमें से काट लूँ, यानी मुझे ज़कात देनी है, तो मैं ऐसे करूँ को कर्ज़ा है तो मेरी ज़कात अदा होगी, ऐसा अदा हो जाएगी मेरी ज़कात? नहीं होगी अदा ज़कात, कर्ज़ा काटने से ज़कात अदा नहीं होती। हाँ, उसका तरीका ये है जो शरी है वो ही करें, शरण जो ठीक बनता है वही तरीका करें, वरना ज़ाय हो जाएगी। उसका यह है कि उस बंदे को अपनी ज़कात दे दें, उसको मालिक बना दें, भाई ये आपके पैसे हैं। ये ना कहना चाहिए कि ज़कात है, भाई आपके लिए हदिया है, ये आपके लिए तोहफा है, आपके लिए वगैरह वगैरह गिफ्ट है, पैसे दे दिए। अब उसको कहें कि जो मैंने कर्ज़ा आपसे लेना है वो मेरा कर्ज़ा लौटा दें। ज़कात दे दिए, उसको मालिक बना दिया, लेकिन ज़कात कहना नहीं चाहिए। अलबत्त ये देखना चाहिए कि अगला मुस्तहिक है या नहीं। साहब वो कर्ज़ा नहीं दे पाता तो मुस्तहिक है, गरीब है। जब उसको मालिक बना दिया, आप उसको कहें मेरा जो कर्ज़ा आपने देना है मुझे दे दीजिए, ये ज़कात भी अदा हो जाएगी, आपका कर्ज भी अदा हो जाएगा, उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट अपनी तरफ से ये कहने कि उसने जो मेरा कर्ज़ा देना है मेरी ज़कात अदा होगी, इस तरह नहीं होती। इसी तरह के साथी ने पूछा कि ज़कात यकमुश दें या पूरे साल में थोड़ी थोड़ी करके देते रहें? दे सकते हैं, जी हाँ, पूरे साल भी थोड़ी थोड़ी करके देते रहें ज़कात अदा हो जाएगी। यकमुश देना अच्छा है, बेहतर है, बहुत सारे गरीबों का भला हो जाता है। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी करके देते हैं, किस्तें करके देते हैं, तो भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह सवाल पूछा किसी साथी ने कि जनाजा पढ़ा रहे थे इमाम साहब, उन्होंने तीसरी तकबीर पर सलाम फेर दिया कि जनाजा अदा हुआ नहीं अदा हुआ, जनाजा फौरी जाइए उसकी कब्र पर जनाजा पढ़िए। अब अगर दफन कर दिया तो फौरी जाइए उसकी कब्र पर, तीन दिन से पहले पहले उसके जनाजा पढ़ लीजिए, उसके कब्र पर पढ़ लीजिए, नहीं तो जनाजा नहीं हुआ, ये गलती हुई है। चार तकबीरें फ़र्ज हैं, जनाजे में फ़र्ज क्या है? जनाजे में फ़र्ज ही चार तकबीरें हैं, और खड़ा होना है, मजबूरी कोई है, माजूर है तो बैठ भी सकता है। असल जो फ़र्ज हुआ वो तो सिर्फ तकबीरें हुई, वो तकबीरें चार नहीं हुई, तीन हुई, तो सलाम फेर दिया, इसका मतलब जनाजा ही नहीं हुआ, तो दोबारा जनाजा पढ़िए। हाँ, अगर मौजूद है मैयत तो फौरी दोबारा पढ़ लें, मौजूद नहीं दफन कर दिया तो तीन दिन नहीं गुजरे तो जनाजा कब्र पर पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहन हमारे हर पैगाम को सुनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, और प्यार मोहब्बत से हिकमत से ऐसे ऐसे इसलाह करेंगे, तरबियत में हिस्सा लेंगे, ताकि हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाए, मुआशरा साहिब किरदार बन जाए, साहिब अमाल बन जाए, हमारा मुआशरा अच्छा बन जाए, दुनिया में रोल मॉडल नमूना बन जाए। मुझे उम्मीद है इसमें हमारे भाई हमारी बहनें इस पैगाम में हमारा साथ देंगे और इसको पहनेंगे, ख़ुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। Peace be unto you.